महिला मंडल के अध्यक्ष सुभद्रा जी श्री राजोदय जी आ गए हैं। हमारी झांकी गौरव महिला था सजीव झांकी के सामने भी आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि वॉल्यूम बोलो तालियां बजाते हैं। यार भैया ये ना इधर हाथ आ रहा है, इधर करके फिर बोलो। अब हेलो कोई बात नहीं, पहले आप अनुरोध है सभापति से सुबह आगे हैं यहाँ पर, और मेरा अनुरोध है हाँ सेंड कर दीजिए, फोटो सेंड कर दीजिए ना, तो लाइव कर दिया हमारी माता जी के भाई श्रीमान प्रभात हमारे लिए प्रभात सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच प्रभावती माता जी के भाई श्रीमान प्रभात भाई हमारे बीच में है। हम उनका सम्मान सह परिवार यहाँ पर है। महिला मंडल के अध्यक्ष से मेरा अनुरोध है कि जब हम स्वागत और सम्मान करें
आए हुए मेरा आभार है ये लोग हैं प्रभात भैया के सुपुत्र श्रीमान राजा भैया जी ये भी आगे आ जाएं राजा भैया भी आगे आ जाएं मेरा आलोक है श्रीमान आदिश्री जैन धर्म की जैन धर्म की गणनी आरिका गौरवमती माता जी की गौरवमती माता जी की जनकपुरी की अम्मा जी गौरवमती माता जी की हमारे सामने सर सामने प्लीज सामने भैया 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 के लिए प्रवेश कर चुके हैं गौरवमती माता जी जिनका बचपन में नाम मिला था उन्हें बचपन में पिट्ठू खेलने का बहुत शौक था इसी के साथ उन्हें पढ़ाई लिखाई और संगीत में भी काफी रुचि थी इस दोनों में हमने यही चिंतन करने की कोशिश की है कि गौरवमती माता जी भी हमारी तरह बचपन में एक सामान्य बालिका थी जबलपुर की रहने वाली उनके परिवार में उनके गांव में जब सुभाषमती माता जी का आगमन हुआ था तो उनकी माता जी प्रमिला दीदी की माता जी उनका हाथ पकड़ कर उनको लेकर के उनके और उस टाइम सुभाषमती माता जी उद्बोधन कर दीजिए पूरे गाँव में कोई ऐसी घटना नहीं है जो मेरे साथ तो उनकी माता जी उनका हाथ पकड़ के खाना बना रही है पानी निकाला जा रहा है मैडम से मछली है खड़े रहो कोई साइड या इस साइड नीचे खड़े रहो भैया पीछे देख के सभी ग्रहण बारे में कुछ दस्त आपको बता
माता जी के जीवन में बहुत सी घटनाओं का पालन करना पड़ता है, उसमें एक माता जी अपने हाथों से केस लॉन्च करती है और केस लॉन्च की दिन उपवास भी रखना पड़ता है। उसमें कितनी मेरा वेदना होती है वह हम रंच माता जी महसूस नहीं कर सकते। उनका मूल गुणों में पदविहार पत्थर और मुख्य मार्गों से होते हुए भी सुबह हो शाम हो तो वो करती हैं बिना रुके हुए अपने चेहरे पर मुस्कान रहती है। इस प्रश्न में हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब साधु और साधवी विहार करें तो हमें उनके साथ में उनकी रक्षा करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि कई जगह हमें सुनने में आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और महिला मंडल से हमारे जो भी यहाँ सदस्य उपस्थित हैं हमारे श्रीमती राज चौधरी जी आज पूरी भक्त परिवार का चिन्ह करवा के अभिनंदन करें। मैं अनिल जी साहब से निवेदन करूंगा दुआ वालों से कि उन्होंने झांकी जो अवलोकन की उसके संबंध में अपने विचार हमें बताएं ताकि हम उसी हिसाब से इसमें आगे कार्य कर सकें। श्रीमान प्रदीप चंद्रवा माता जी अभी थोड़े दिन पहले ही माता जी स्वर्ग पधारे हैं, लेकिन इतनी अच्छी झांकी बनाई है, इतनी ज़्यादा मेहनत करी है जनकपुरी वालों ने, वैसे ही इतना ज़्यादा विशेष प्यार था। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं उनके बारे में क्योंकि जितना बताऊँ उतना ही कम है, क्योंकि मैं भी करीबन 23 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ और आप लोग भी सब जुड़े हुए हैं। तो उनका जो चेहरा था उनका जो प्रेम है उनकी जो भूमि है वो इतनी अच्छी थी कि कभी भी किसी आदमी से कठोरता से नहीं बोलते थे, तो उन्होंने दिल में हमेशा याद रहेंगे। और उन्होंने तो मेरी मदर को भी उन्होंने दीक्षा दी है और समाधि कराई है, तो मेरे लिए तो डबल माँ है और उनको बोलना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि हमेशा उनका नाम ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। धन्यवाद। जय बोले गौरवती माता जी की। श्रीमान अनिल जी साहब का सम्मान कर वैसे तो क्या कर पाते हैं, लेकिन एक छोटा सा इनको स्मृति चिन्ह भेज करके हम इनका सम्मान करना चाहेंगे। सामने
सर सामने प्लीज। हमारे भी महानगर टाइम से राजनीति करना चाहिए, हमारे भी उपस्थित है। मेरा अनुरोध है रविंद्र जी का भी तिलक लगाकर अभिनंदन करें। एक परिवार एक ही मुझे तो अलग अलग ठीक है। प्रभात में बोलेंगे पहले कुछ दो सौ माता जी के लिए अब मैं माता जी के सगे भाई प्रभात भैया से आग्रह करूंगा कि भाई माता जी के संबंध में हमसे ज्यादा और इनसे ज्यादा और कौन जान सकता है माता जी के बारे में, अपने दो शब्द कहें। देव देवाली देव 1008 देवीनाथ भगवान की परम पूज गैनी आपका गौरव मुझे माता जी की झांकी देखकर एक ऐसा एहसास हुआ कि ये बिल्कुल जीवंत झांकी है। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे माता जी का सानिध्य पुनः प्राप्त हो गया है। इससे पहले मैं क्या कह सकता हूँ, इनकी स्मृति को भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे कि प्रयास होते हैं तो इनकी स्मृति को अक्षुण बनाए रख सकते हैं। दो लाइन में सिर्फ कहूँगा उनके हिस्से में, मैं भूल नहीं पाता तेरी उस सौम्य मूर्ति उस दृढ़ता को, तेरी उस प्यार तपस्या को, उस निर्जनी सी ममता को, तेरा सामीप्य सुरुचिकर था, तेरा वियोग अब दुखकर है, उनकी सेवा में निज जीवन अर्पण हो पाया अवसर है, उनकी सेवा में निज जीवन अर्पण हो पाया। माता जी की जय। प्रभात भैया का बहुत बहुत आभार, उन्होंने आज हमारी आंखों एक तरह से नमक कर दी, आज माता को आज याद करके बहुत बहुत आभार। मेरा अनुरोध है एक वैगन आर 8503 बीच में खड़ी है, कृपया जिनकी है वो उसको बताएं। आए हुए सभी अतिथि महानुभावों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्रबंध कार्यकारिणी समिति महिला मंडल जैन मोहम्मद के संयुक्त तत्वाधान में यह धरती लगाई गई है। आप सभी महानुभावों का स्वागत व अभिनंदन। हमारे इस झांकी में दो तीन एक दिन उधर हमारे भी डिप्टी मेयर साहब उपस्थित है। मेरा अनुरोध है जनता के बेहतर से कि वह तिलक लगाकर अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत स्वागत आए हुए सभी महानुभावों का। हमारी ममता में माँ गौरवमती माता जी की सजीव झांकी बचपन से लेकर समाधि तक की हमारे इस गौरवमय धाम में लगी हुई है। आप सभी आए हुए अतिथि मानवों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। Thank you.
गुरु भक्त परिवार का स्वागत आयोजन चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत कर दिया वो अंदर की ठीक है। आ जाओगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरा सुखी कर मेरा हमारे इस झांकी में विशेष सहयोग रहा है श्रीमान कैलाश जी भव्य पर्यटन का, श्रीमती मंथुल कंथुल देवी जी जयंत का, श्रीमान रमेश जी चौधरी साहब का, श्रीमान पवन जी द्वारा परिवार का, श्रीमान कमलेश जी जयंत पंथली वाले का, श्रीमान सुनील जी का, श्रीमान राजू जी राजेश जी सुनील जी का विशेष सहयोग रहा है। प्रबंध कार्यकारिणी समिति की महिला मंडल और जैन मन उनका स्वागत और अभिनंदन करता है। सुप्रीम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, तुरंत मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर। केवल न्यूज चैनल से श्रीमान पहली बार की हमारे बीच उपस्थित है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे यहाँ आ जा रहे हैं। मेरा निवेदन भी वैसा से अनुरोध है कि उनका तिलक लगाकर स्वागत और अभिनंदन करें। पार्षपति की सबसे लाजी जो मिला उनके शिष्या से जब जब जो मिला दीदी ने उनको पूरा सम्मान और आदर दिया, इसी कारण पूरा समाज उनके पास हो गया। मातर को का दूसरा नाम था माँ गौरवपति, उनका जाना बना जैन समाज के लिए क्षति। 69 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन यात्रा की पूरी, पर अंतिम समय में जिस समाज में नहीं बनाई उनके दूरी, जिस समय दिया था जन्म उसी जन समाज का देखा।
माँ का हाथ इससे हटते ही हर जन रह गया भला अद्भुत की बातें। हम स्वागत को अभिनंदन करते हैं श्रीमान कैलाश परिवार का, उनका हमें बहुत सहयोग दिया है झांसी के लिए, स्वागत को अभिनंदन। हम देख रहे हैं माँ गौरवपति की संसारिक जीवन के समाधि कहानी की पति चावला जी साइड दे आज हमारे बीच में ओवन टीवी के रिपोर्टर श्रीमान आदित्य साहब पधारे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो आज माता जी की जीवन हमारी जो शादी होती है उसके बारे में अपने दो शब्द रखे श्रीमान नाम जी। बहुत ही ग्रहण किया है, मैं बहुत सारी बात सुप्रीत अजमेरा माइंड लेके आप उधर खड़े हो आने वालों से या आप इधर आ जाओ। बुद्धि जी छावड़ा आपके पास माइक है, बुद्धि छावड़ा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो माइक को हाथ है बुद्धि छावड़ा जी, बुद्धि प्रकाश जी छावड़ा माइक पूछो ना जैसे इधर से आओ वापस आओ विमला जी को कॉल करो। अरे वो मंदिर में नहीं है अभी आए हुए सभी अतिथि महानुभावों का हम स्वागत और अभिनंदन। हम देख रहे हैं जय जिनेन्द्र आज हमारे बीच हमारे पूज्य सम्मानीय गौरवती माता जी की भाभी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने माता जी से अपने बारे में कैसे उनके किस तरह से उनका आशीर्वाद मिलता था और किस तरह से माता जी उनके पास रात रहते हैं गौरवमती माता जी की जय। गौरव झांकी तो बहुत बढ़िया लगी है देख के आंखों में आंसू आ गए माता जी का आशीर्वाद बहुत ज्यादा साथ में रहते थे आशीर्वाद गौरवमती माता जी मेरे को आगे नम करवा दी आपने भी बहुत बहुत आभार आपका और अब हमारे बीच में हमारे उप महापौर श्रीमान करनावर साहब जो सायती हर आदमी उनको उनसे परिचित होगा उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि श्री पुलिस करनावर साहब और पहले माता जी से जरूर ये मिले हुए होंगे इनका किस तरह से हम दोस्तों ऐसे में अनुभव रहा और आज झांकी इन्होंने जो देखिए वो कैसी रहेगी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उसके दो शब्द कहे गौरवमती माता जी की जो भक्ति मैंने आज देखी है और जितने जीवंत ढंग से आप लोगों ने इस झांकी का पूरा निर्माण किया है उनका पूरा जीवन हमारी आंखों के सामने नजर आने लगा। प्रमिला दीदी के नाम से
जब उनका धर्म के प्रति किसी प्रकार का कोई ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन जब जैन माता जी के साथ उनको सानिध्य मिला तो उन्हें समझ में आया। और ये पूर्व जन्म के पुण्य ही होते हैं जिनका उदय होता है तब इस पद के ऊपर अग्रसर होने के लिए कोई शुल्क है। आदरणीय माता जी ने एक कठिन जीवन का अंगीकार किया और कितने लंबे समय तक उन्होंने अपने गुरु माता जी की सेवा की, 37-38 वर्षों तक, वो सब इस झांकी के अंदर आपने जिस खूबसूरती से दिखाया है, मैं समझता हूँ कि हम सबको कहीं ना कहीं अंदर मन में छू गया है। अपने गुरु के प्रति भक्ति का भाव रखना, ये जो जैन धर्म है ये विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है, इसके सिद्धांतों का पालन करके पूरा विश्व सत्य प्रेम और अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। ऐसा मार्ग दिखाने वाली हमारी माता जी का पूरा जीवन दर्शन आपने मुझे करा दिया, आप सब लोग भी उसका अनुभव करेंगे। मैं यहाँ इस मंदिर प्रांगण के अंदर यहाँ की जो कार्य समिति है, वर्किंग कमेटी है, उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और अशोक जी भी पधार गए, मुझे बताया कि जनकपुरी से माता जी का बेहद लगाव था और उन्होंने दो दो बार चातुर्मास यहाँ पर किया है। उन्हीं की प्रेरणा से नीचे ध्यान केंद्र बना, उन्हीं की प्रेरणा से ऊपर चित्रकूट जनालय, जिसको भी मैं देखकर आया हूँ भाई साहब के साथ, 1008 प्रतिमाएं, इन सबको देखकर मैं इतनी बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैन धर्म निरंतर अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ता रहेगा और हम सबको एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सबके आज यहाँ दर्शन हुए, सुगंधदशमी के अवसर पर आप सबसे मुलाकात हुई, मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत प्रेरणाएं, जिनकी तपस्या रही है उसका बहुत बहुत अनुमोदना है। आप सबसे मिलना हमेशा ही अच्छा लगता है, आप जब भी मुझे कहेंगे आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। ये बोले गंगा का गोपाल भक्ति माता की रानी जय। ओ बिट्टू वीडियो में फोन नहीं पाया। मैं आप सभी को सूचना देना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है अपनी झांकी का, मैं शाबाश इंडिया के सौजन्य से इस समय लाइव चल रहा है, लिंक मैंने सभी को भेजा है, लिंक मैंने भेज दिया शाबाश इंडिया के सौजन्य से, ये कार्यक्रम पूरा लाइव चल रहा है, कृपया सभी ये देखना चाहें तो देख ले। हमारे भी हमारे जय हो कल्याण श्रीमान संपत राय जी, गांधी देवी जी पढ़े हैं, बोलिए परिवार गौरव मत लाडू दिवाली है, किसान वाले हमारे बीच उपस्थित हैं, मेरा अनुरोध है देवेंद्र जी राजस्थान के उनका स्वागत और अभिनंदन करें। गौरवमती माता जी मान आर्यिका माता जी थी, उनके 14-15 साल के आर्यिका काल में पूरे जयपुर में उन्होंने भ्रमण किया, हर कॉलोनी में गए और धर्म की प्रभावना करी, ऐसी गौरवमती माता जी आज हमारे बीच में नहीं है। मान अनुपम ज्ञान की दादी गौरवमती माता जी बन गए, गौरवमती जी के गोपाल भक्ति के नाम चार चांद लगाए। मेरी जो आज भक्ति प्रतिमा आपको नजर आ रही है ये उनकी कृपा है, उनकी प्रेरणा से आज मैं भक्ति बना हुआ आपके सामने खड़ा हूँ। ये गौरवमती माता जी की प्रेरणा का ही फल है। हमारे भी संपत राय जी सांगी देवी जी पार्टी जो हमारे उद्घाटन करता है, उनका परिवार निखार वाले उपस्थित है। मेरा अनुरोध है प्रबंध कार्यकारिणी समिति से और सत्ता मंडल से और हमारा
हमारे बीच सवास इंडिया के संपादक श्रीमान राकेश जी गोदिका, संता जी गोदिका हमारे बीच उपस्थित है। मेरा अनुरोध है बिलाला जी से कि वे उनका स्वागत व अभिनंदन करें। राकेश जी बेहतर, राकेश जी गोदिका बेहतर, बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। की लाइन लग रही है अभी? अरे भाभी हाँ, हम भी तो खड़े ही है ना जब से लाइन में, कुछ तरीका नहीं है। लाइन चल रहा है आपसे पहले ही, लाइन चल रहा है। मेरा अनुरोध है जेएनयू मंच के अध्यक्ष कार्यकारिणी के अध्यक्ष होने से कि वे चित्र अनावरण करवाए, माता जी का चित्र अनावरण करवाए। श्रीमान संपत जी राय शांति देवी की बात करें, परिवार राज्य निवासी प्रवासी जैसे विधान करें। आपने ध्यान दीजिए बोलो ने सजीव था की बनी